ऑपरेटर, और ये हमने यूज किया है, मतलब सिंगल इक्वल, व्हाट इज द नेम, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इसका सिंबल क्या है, सिंगल इक्वल। दिखने में ये सिंपल एक इक्वल दिखता है, लेकिन इसका काम बहुत अमेजिंग है। जैसे हमने अभी तक इसको यूज किया, जैसे आपने लिखा है सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो पहले ये क्या करता है, ए प्लस बी करता है और उसको ट्रांसफर करता है सम के अंदर। मतलब ये हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करेगा। इस चीज को बिल्कुल आप दिमाग में बांध लो कि पहले जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होगा वो राइट साइड को कैलकुलेट करेगा, उसका रिजल्ट निकालेगा, फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर होगा। इट असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इन एन एक्सप्रेशन। पहले ये राइट साइड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेगा। जैसे मान लो आप लिख रहे हो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है वो पहले कैलकुलेट होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा। अगर आप लिख रहे हैं बी इक्वल टू सी, तो इसमें बी की वैल्यू सी में जा रही है, सी की वैल्यू बी में जा रही है, बी सी में नहीं जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ ए इक्वल टू, जैसे अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए ए बी सी की क्या वैल्यू है इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद, ए की कितनी वैल्यू है, बी की कितनी वैल्यू है और सी की कितनी वैल्यू है, चारों स्टेप्स को एग्जीक्यूट होने के बाद। तो हमको बच्चों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अब देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, कभी भी इसमें जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। चारों लाइन के बाद हमको बताना है ए बी और सी की कितनी वैल्यू है। तो देखिए मैं नीचे यहाँ पर एक रफ कॉपी में हम ए को ट्रेस करेंगे, बी को ट्रेस करेंगे और सी को ट्रेस करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो ए के पास शुरू में क्या है, मतलब ए की वैल्यू है मेरे पास 10, ये मैंने लिख लिया कॉपी में। फिर देखिए ए की वैल्यू, हमेशा राइट टू लेफ्ट ही देखना, ए की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो रही है, बी में। तो ए की वैल्यू कितनी मेरे पास, 10, तो बी में ट्रांसफर हो रही है, तो बी में भी कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए बी प्लस 2 हुआ, बी प्लस 2 हुआ तो बी में कितनी वैल्यू है मेरे पास, 10, तो 10 प्लस 12, मतलब C के अंदर कितना हो गया मेरे पास, 12। फिर क्या कर रहा हूँ, C प्लस 10 कर रहा हूँ, तो C में कितनी वैल्यू है अभी मेरे पास, 12 है। तो 12 प्लस 10 मतलब 22। 22 किस में होगा, A में होगा, तो A में कितना होगा, 22। तो आप आंसर देंगे A के अंदर 22 है, B के अंदर 10 है और C के अंदर 12 है। लेट वी चेक दिस, सपोज A इक्वल्स टू 10, देन B इक्वल टू A, then C equal to B plus 2, then A equal to C plus 10, then suppose I am printing print A comma B comma C, let execute this, so you can see 22, 10 and then 12, okay, so this is the question that how we can find out the output, A equal to 10 भी है और A equal to C plus 10 भी है, इसलिए देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप वन से चलना है, आपको एक साथ चारों लाइन तो देखना ही नहीं है, आपको सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट लाइन देखना है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट लाइन का जो चेंज है वो सेकंड लाइन में होता है, फर्स्ट लाइन में जो हो गया, जिस वेरिएबल में जो वैल्यू आ गया वो सेकंड लाइन में उसकी जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ए के अंदर 10 था सबसे पहले, बी सी उस समय खाली थे, बी इक्वल टू ए लिखा तो बी के अंदर भी 10 हो गया, C इक्वल टू बी प्लस 2 लिखा तो B के अंदर अब वैल्यू आ चुकी है, B के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है, 10 वैल्यू आ चुकी है, 10 प्लस 2 मतलब 12 हो चुका है C में। अब जब A इक्वल टू C प्लस 10 लिखोगे तो C के अंदर 12 आ चुका है, 12 प्लस 10 मतलब 22। तो अब पहले A के अंदर 10 था लेकिन अब A के अंदर वापस 22 हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं, जैसे मैं कहूं फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस ए इक्वल टू 10, देन सी इक्वल टू बी प्लस 2, नाउ हियर द कंपाइलर, तो ए के अंदर 10 है तो ए के अंदर तो 10 हो जाएगा। इन द सेकंड लाइन व्हेन सी इक्वल टू बी प्लस 2, नाउ कंपाइलर इज ट्राइंग टू सर्च द वेरिएबल बी एंड वेरिएबल बी इज नॉट फाउंड इन द प्रोग्राम, सो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव्स यू द एरर दैट अनडिफाइंड सिंबल बी, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। Write a Python program which input two numbers and interchange the value between. उन दोनों के बीच की वैल्यू चेंज करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि दो वेरिएबल में बनाऊँ, जैसे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, अब मैं चाहता हूँ कि b के अंदर 10 हो जाए और a के अंदर 20 हो जाए। बात समझ में आई? I want to interchange the value between the two variables. Then what I can do? There are various approaches to solve this problem. और ये कई बार कई लॉजिक में हमको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है,
जहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू हमको इंटरचेंज करना होता है। सो पाइथन के अंदर ये थोड़ा सा शॉर्टकट मैकेनिज्म है, बाकी अगर इसको आप सी प्लस प्लस या जावा में करते हैं तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। मेथड वन, यूजिंग टेम्परेरली थर्ड वेरिएबल। एक टेम्परेरी थर्ड वेरिएबल हम यहाँ पर लेते हैं उसकी हेल्प से। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ मैं, तो इसके अंदर मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा कि जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए, तो एक मैं यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ जैसे टेम्प। तो ए के अंदर मेरे पास सपोज यहाँ पर है 10 और बी के अंदर मेरे पास है 20। अब मैं इंटरचेंज करना चाहता हूँ, ए के अंदर 20 चाहता हूँ, बी के अंदर 10 चाहता हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा, जो ए की जो वैल्यू है उसको पहले टेम्प में ट्रांसफ़र कर दूंगा 10, ताकि अगर मैं डायरेक्ट ए इक्वल टू बी लिख दूंगा, अगर देखिए आप, देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं ऐसे लिख दूं ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, तो मेरा काम हो जाना चाहिए। लेकिन ए इक्वल टू बी जब आप लिखोगे तो बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, मतलब ए में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर जब आप ए इक्वल बी इक्वल टू ए लिखोगे तो ए की वैल्यू बी में जाएगी, तो ए की वैल्यू अभी क्या है, 20 है, तो दोनों में 20 20 हो जाएगा। प्रिंट ए कोमा बी, यू कैन सी बहुत 20 20। तो एक्चुअली जब बी की वैल्यू तो ए में चली गई, मतलब ए में तो 20 हो गया, लेकिन उसकी जो पुरानी वैल्यू थी वो हमको स्टोर करना है। तो पहले हम उस बी की वैल्यू ए में डालने के पहले ए की जो पुरानी वैल्यू थी उसको टेम्परेली किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर बी की वैल्यू ए में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर जो पहले जो हमने टेम्परेरी वैल्यू को होल्ड किया था उसको बी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, टेम्प कोई वेरिएबल लेता हूँ उसमें ए की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो टेम्प इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र मैंने की, और फिर मैं बी इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू बी कर देता हूँ, मतलब बी की वैल्यू मैंने ए में ट्रांसफ़र कर दी। फिर तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और फिर मैं बी को क्या दूंगा, टेम्प दूंगा। बी के अंदर मैं क्या भेज दूंगा, टेम्प को भेज दूंगा, तो बी के अंदर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर मैं ए और बी को प्रिंट करता हूँ, यू कैन सी वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड बी इज 10। एनी डाउट इन दिस? इसी अप्रोच के साथ आपको काम करना है अगर थर्ड यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो पहले जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप ए में ट्रांसफ़र कीजिए, फिर बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफ़र कीजिए, और फिर टेम्प की वैल्यू को बी में ट्रांसफ़र कीजिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको रन टाइम पे बनाना है तो आप रन टाइम पे ले लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रन टाइम पे हो गया। इसी तरीके से मैं बी को ले लेता हूँ, एंटर सेकंड नंबर, फिर नीचे वैसा ही रहते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर सपोज 10, एंटर सेकंड नंबर सपोज 20, सो रिजल्ट इज 20 10। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज ए, और इसी को मैं एक और प्रिंट यहाँ पर दे देता हूँ, वैल्यू ऑफ बी इज बी। तो थोड़ा सा मुझे और अच्छा लगेगा, 10 20, देन वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 10। तो रिवर्स हो गया, जबकि ए के अंदर मैंने पहले 10 डाला था, ऐसा था। तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ओके, वैल्यू ऑफ ए की जगह पर यहाँ पर फर्स्ट नंबर कर देता हूँ तो ज़्यादा सही है, ए और बी की बात नहीं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर एंड वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, ओके इट्स फाइन, 10 20। सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज 20, वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर इज 10। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट मेथड, मीन्स यूजिंग द थर्ड वेरिएबल आई एम ट्राइंग टू इंटरचेंज द वैल्यू बिटवीन अ टू वेरिएबल्स। सो लेट्स सी, दिस इज द कोड फॉर दिस। सो दिस इज मेथड वन, नाउ देर इज मेथड टू ऑल्सो, and you can use this method for strings also. Suppose there are two strings and suppose you want to interchange the string between them, then you can use the same method. ठीक है, suppose these are not integer numbers, they are simply a string, then simply execute this. Suppose first string is Ashish, second string is Amit, so now the first number is Amit and second is Ashish, so they are interchanging with each other. Okay, so we can do this with strings also. Using method 2 means without the use of third variable, without the use of third variable. So without the use of third variable का मतलब ये है कि हम कोई तीसरा variable use नहीं करेंगे, तो इसमें लेकिन ये सिर्फ काम करेगा केवल जब integer numbers होंगे, work only with, या float के साथ भी काम करेगा, int float numbers, मतलब स्ट्रिंग के साथ आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो इसका जो लॉजिक है वो ये कहता है कि ओके, इसमें हम थर्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर मेरे पास वैल्यू है 10, बी के अंदर मेरे पास है 20, तो मैं क्या करता हूँ, इनका सम कर लूँगा कहीं पर, इनको मैं ऐड कर दूँगा, और इनको ऐड करके जैसे मैं करूँगा ए इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होगा मतलब 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ए के अंदर 30 हो जाएगा, और फिर मैं लिखूँगा बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो बी ए की वैल्यू कितनी है अभी मेरे पास 30 है, तो 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो बी के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, यही तो मैं चाहता हूँ, और फिर मैं लिखूँगा ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू है अभी 30 वैल्यू है, बी के अंदर क्या वैल्यू है मेरे पास 10 वैल्यू है, तो ए के अंदर कितना हो जाएगा मेरे पास 20 हो जाएगा। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का लॉजिक देखो आप, और इसका मैजिक देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो हमने दोनों को ऐड करते हुए ऐसा कोड बनाया जिससे वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो रही है। सो यूजिंग दिस सिंपल लॉजिक वी कैन इंटर द नंबर्स। लेकिन अब ये स्ट्रिंग के साथ काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो ऑपरेशन है प्लस माइनस उसको यूज़ कर रहे हैं। सो लेट एग्जीक्यूट दिस। सपोज फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20, वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज 20 एंड वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर इज 10। सो विदाउट द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल यू कैन डू दिस। नाउ लेट सी, दिस इज मेथड वन, दिस इज मेथड टू। नाउ लेट हैविंग द मेथड थ्री टू डू दिस। नाउ द ब्यूटी ऑफ पाइथन इज कि पाइथन ने हर चीज को इतना आसान कर दिया कि पाइथन अपने आप समझ जाता है। तो पाइथन में देखो इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में आप क्या लिखिए, ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए। एक्चुअली क्या था कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट में एक ही काम होता था, लेकिन पाइथन क्या कर सकता है, एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। तो ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए जब लिखेंगे, मतलब ए की जो वैल्यू है वो क्या है, बी है, तो बी के अंदर सपोज 20 है, तो ए के अंदर सीधा सीधा क्या चला जाएगा, 20, और अभी वो जो 20 जाएगा तो वो अभी इस ए के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इस ए के अंदर वही पुरानी वैल्यू रहेगी 10, और वो 10 वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो लेट प्रिंट दिस 10 20, सो रिजल्ट इज 20 10। अच्छा, इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करना आप। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा था कि ए के अंदर था मेरे पास 10, बी के अंदर था मेरे पास 20। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, इसको ध्यान से समझना, ये हो क्या रहा है। तो एक्चुअली जब इधर की देखो असाइनमेंट के इस तरफ तो क्या आएगा, मतलब इस तरफ का पोर्शन पहले पाइथन पहले कैलकुलेट करता है, मतलब इस तरफ की पहले वैल्यू आएगी। तो पाइथन को इससे मतलब नहीं कि यहाँ पर बी है कि ए है, उससे मतलब नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि पाइथन इसको क्या क्लियर करेगा, ए कोमा बी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 20, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 20 और ए की कितनी वैल्यू है 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 10। तो पाइथन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ए कोमा बी इक्वल टू 20 कोमा 10, तो सीधी सी बात है कि ए के अंदर आएगा 20 और बी के अंदर आएगा 10, तो दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। सो लाइक दिस वी कैन इंटरचेंज द वैल्यू बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स। द इजिएस्ट मेथड इज दिस वन, एंड दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग्स ऑल्सो। सो लेट सी, वी हैव दिस प्रोग्राम, राइट अ पाइथन विच इनपुट टू स्ट्रिंग्स एंड इंटरचेंज द वैल्यू बिटवीन, ओके, उनके बीच में वैल्यू इंटरचेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग को इनपुट कर लेते हैं, दो स्ट्रिंग इनपुट ले ली, ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं नंबर की जगह पर। देखो बच्चों हर क्लास में कुछ नया है, पुराना नहीं भूलना है हमको। सो एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, सपोज अमित, सेकेंड स्ट्रिंग इज दिनेश, सो नाउ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज दिनेश एंड सेकेंड स्ट्रिंग इज अमित। So using this simple a comma b equal to b comma a, we can simply interchange the value between two strings. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस असाइनमेंट ऑपरेटर से होते हैं। अब ये कि ये जो आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन थे, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी और करते हैं।